तुम्हारी गाय जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे घर में सफेदी हुई है। जो पहले वाले स्टिकर वॉलपेपर थे वो हट गए हैं, और मैं इसको उसकी जगह नए लगाने हैं और मैं नए लगाऊंगा। मैंने एक्चुअली दो वॉलपेपर बनाए हैं और वो मैं अलग अलग पार्ट की इसको वीडियो बनाऊंगा, तो देखते हैं कैसा लगता है। और मेरे को लगता है इसमें ज्यादा टाइम भी लगेगा क्योंकि इसमें बड़े बड़े पीसेस हैं। इससे पहले भी मैंने लगाए हैं उसमें काफी छोटे पीसेस थे, तो उसमें काफी टाइम लगा था और मेहनत काफी लगी थी। तो अभी देखते हैं कितने देर में लगता है, तो मैं दिखाता हूँ। क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? हैंड काट, बैक काट है, बैक काट, फोरेज कर रहा है। ये क्या है, क्या वो? ये क्या है, ये क्या है? तो गाइस देखिए जो दीवार है काफी भी पेंट हुई है, नहीं कि नहीं। ये मैंने अभी वॉलपेपर लगाया, वॉलपेपर की पैकिंग काफी अच्छी थी और मुझे लगता नहीं था कि ये इतनी छोटी पैकिंग में इतना बड़ा वॉलपेपर आएगा। मुझे लग रहा था कि ये जो साइज है इसका काफी छोटा होगा, लेकिन जब बाहर निकाला तो ये दो बड़ी बड़ी शीट में था, जैसे कि आपने कभी देखा ही दूसरी शीट में ऐसे। क्योंकि इससे पहले जब मैंने मंगाया था वो काफी बड़ा वॉलपेपर आया था सिंगल शीट में, तो उस हिसाब से मेरे को ये लगा कि ये छोटा साइज में ना हो, क्योंकि मेरी जो दीवार वॉल है वो काफी उस वॉलपेपर के हिसाब से बड़ी है। लगाने में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि स्मूथ वॉल है, अभी भी नई नई पेंटिंग हुई है और काफी यूनिफॉर्म इसमें वॉल टच जो कि बिल्कुल स्मूथ है, छोटे छोटे दाने भी नहीं है, बिल्कुल यूनिफॉर्म दीवार है। कोई छोटे मोटे इसमें गड्ढे नहीं है, जिससे कि लगाने में एकदम बढ़िया लगा और स्मूथनेस भी काफी फील हुई। वन टच में लग रहा था ये एकदम से चिपक रहा था, और इससे पहले जब मैंने वॉलपेपर लगाया था तो वो उसमें अंदर इतनी काफी स्ट्रॉन्ग ग्लू थी जिससे कि सफेदी जो है ये वाइट वॉश जो जिस टाइम पर ये भी उतर रहा था साथ साथ सिंगल। एक बार जैसे गलती, कभी स्टिकर लगाने में आपसे कभी गलती हो ही जाती है, तो जैसे गलत लगने के दोबारा हटाओ तो वो सफेदी लेके उतरता है। और अभी जब मैंने इसको लगाया तो इसकी ग्लू इतनी ताकतवर भी नहीं थी, इतनी मॉडरेट, मतलब कहने का मतलब बीच की थी, जिससे कि गलती करो और अब हटाओ तो बिना सफेदी उतारे निकल भी सकती है, और जब इसको आप फोर्स के साथ अप्लाई करो तो अच्छे से पक भी सकती है। जैसे कि देखो मैं इसमें दम लगा रहा था तो ये बढ़िया तरीके से लग गई। तो गाइज अब इसमें मैं दूसरे पार्ट ये देखूं, तो गाइज ये देखिए मेरे को काफी अच्छा लगा है। गाइज जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने वॉलपेपर लगा लिया है और ये काफी अच्छा लग रहा है, विलेज थीम में वॉलपेपर है। देखिए टू लेडीज है और मैं आपको दिखा दूं एक बार, तो गाइज इसको लगाने में काफी दिक्कत तो ज्यादा हुई नहीं क्योंकि बड़े बड़े इसके पीसेस थे तो ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। इससे पहले जो मैंने वॉलपेपर लगा रहा था उसमें छोटे छोटे पीसेस थे, उसमें ज्यादा टाइम भी लग गया था और लगाने निकालने में ज्यादा टाइम वेस्ट हो रहा था। कल मेरे को एक और वॉलपेपर लगाना है तो उसके हिसाब से मैं एक और वीडियो बना दूंगा, तो आपको दिखा दूंगा मैं कैसा लग रहा है आपको, बाकी आप देख लीजिए कैसा लग रहा है। तो गाइस आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय।